दोस्त मेरे पास एक 2.1 का होम थिएटर आया है। इसमें बेस और राइट का स्पीकर का साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा दावा दावा साउंड आ रहा है। तो चलिए मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ और इसको रिपेयर करके भी आपको दिखाऊंगा आज। इसमें लेफ्ट साइड का स्पीकर में साउंड बिल्कुल क्लियर आ रहा है, लेकिन राइट साइड में साउंड बिल्कुल दबा हुआ लग रहा है और बेस में भी दबा हुआ लग रहा है। तो चलिए मैं आपको संग लगा के और फुल चेक करके दिखा देता हूँ। आपको शायद दोस्तों सुनाई दे रहा है कि बेस और राइट चैनल का स्पीकर में दबा हुआ साउंड आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं साउंड है। लेकिन इसमें क्या है, लेफ्ट चैनल में मैं स्पीकर को लगा रहा हूँ तो क्लियर साउंड आ रहा है, लेकिन बेस दबा हुआ ही है। लेकिन स्पीकर में शायद एक चैनल में डिस्टर्ब आ रहा है और बेस में भी प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे, रिपेयर करेंगे। खोल मैंने पहले से खुला हुआ, क्योंकि कस्टमर था यहाँ पर, वो खोल के देखना चाहता था, तो उसको खोल के दिखाई दिया। देख सकते हो लेफ्ट चैनल में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, लेकिन राइट चैनल में साउंड दब जा रहा है। तो इसमें एक स्पीकर, एक आईसी से दोनों स्पीकर चल रहा है, मतलब दोनों आईसी से चार स्पीकर है। तो ये दोस्तों 2.1 ही है, लेकिन इसमें चार स्पीकर का पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा लोड होने से आईसी जल्दी ही खराब हो सकता है। दोस्तों कंपनी तरफ से जो होम थिएटर आता है उसमें देखा हो कि एक स्पीकर के लिए एक ही आईसी है, मतलब 2.1 होम थिएटर है तो उसमें दो आईसी स्पीकर के लिए और एक आईसी बेस के लिए है। तो इसमें दोस्तों लोड ज़्यादा पड़ने से आईसी खराब हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं वोल्टेज को चेक करूंगा, दोनों कैपेसिटर जो रहता है वो कैपेसिटर को मैं चेक करूंगा। 25 वोल्ट 33 से ये का कैपेसिटर रहता है, तो दोनों कैपेसिटर को चेक करना है और 12.0.12 सप्लाई को भी चेक करना है, और जो चार डायोड रहता है जो ब्रिज रेक्टिफायर हो रहा है उसको भी चेक करना है, क्योंकि वोल्टेज कम होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज कम दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है। तो मैं आपको चेक करके देखिए, 12.0.12 का पॉइंट है, जो मिडिल का है वो 0 है, और दोनों साइड का जो येलो येलो है कलर का वो 12.12 है। तो इसको भी चेक करना है। तो थोड़ा कम लग रहा है, तो फिर भी मैं आईसी को भी चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ठीक ठाक ही आ रहा है। जो डायोड है 4007 का, जो चार डायोड रहता है ब्रिज रेक्टिफायर हो रहा है, उसको भी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक डायोड खराब हो जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको पूरा चेक करना है, वोल्टेज से स्टार्ट करके आईसी तक पूरा चेक करना है। ये जो 4007 का डायोड है, इसको दोस्तों आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड करके चेक करना है, क्योंकि वोल्टेज में चेक कर रहा हो तो दोस्तों कि क्या हो रहा है, कैपेसिटर में वोल्टेज जो रहता है दोस्तों पकड़ के, उसको वोल्टेज इसमें शो कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आपको होम थिएटर को ऑफ करके कंटिन्यूटी मोड में करके आपको डायोड को चेक करना है। तो डायोड हमारा ठीक ठाक ही लग रहा है, तो आप हम लेफ्ट राइट का दोनों आईसी को चेक करेंगे, ठीक है, कि कौन सा आईसी लेफ्ट चैनल के लिए है और कौन सा आईसी राइट चैनल के लिए है, उससे फाइंड करेंगे कि हाँ ये हमारा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा राइट चैनल का स्पीकर है उसमें ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो राइट चैनल का स्पीकर को आईसी को चेंज करेंगे। लेफ्ट चैनल का आईसी हमारा सही है और जो बेस का आईसी है उसको भी चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पॉइंट है लेफ्ट और राइट चैनल के स्पीकर के लिए। तो जो वायर दोस्तों आउटपुट के लिए निकला हुआ है, उसमें हम वायर को फाइंड करेंगे कि कहाँ तक ये गया है, और जो पॉइंट बाहर, दोनों आउटपुट स्पीकर के एक भी पॉइंट अगर मिल जाएगा तो आपका दूसरा पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। तो एक पॉइंट का भी पहले ढूंढना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है लेफ्ट चैनल का, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट चैनल का जो दूसरा वायर दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो राइट चैनल का, ठीक है। तो ऐसी तरह से आपको ट्रैक करके ढूंढना है। तो ट्रैक को भी ढूंढना है कि कौन आईसी तक लेफ्ट का गया है और कौन आईसी में। दोस्तों मैंने तो फाइंड कर लिया हो कि कौन सा लेफ्ट चैनल के लिए है और कौन सा राइट चैनल के लिए है। तो आपको भी इसी तरह आपको चेक करके देखना है कि कौन सा आईसी के लिए कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो मेरा दोनों पॉइंट निकल गया है, लेफ्ट चैनल का, राइट चैनल का। इसी तरह दोस्तों आईसी को भी ट्रैक करके चेक करना है कि हमारा जो राइट चैनल का आईसी जो ख़राब है, मतलब क्लियर साउंड नहीं आ रहे थे, वो कौन सा आईसी है, ठीक है। तो आईसी टच करके मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड में रख के ट्रैक को टच करके देखना है कि कौन सा आईसी तक पॉइंट गया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा राइट चैनल का जो आईसी है वो मिल गया है, मिडिल का जो आईसी है, और ये जो आईसी है दोस्तों ये बेस के लिए है, और लेफ्ट साइड का जो आईसी है दोस्तों वो देखिए दोस्तों इस साइड का है, ठीक है। तो हमारा दोनों आईसी में फाइंड कर लिया हो कि कौन सा राइट चैनल का आईसी है और कौन सा बेस का आईसी है। तो आप दोस्तों आईसी को दोस्तों डिसोल्डिंग वायर से रिमूव करके इसको नया आईसी देख के चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें हीट सिंक में जो नट बोल्ट दिया हुआ है उसको फटाफट से खोल लेना है। तो चलिए,
सो इसको डिसोल्डिंग कर दिया, वो डिसोल्डिंग वायर से तो आईसी को आराम से खींच के निकालना है पॉइंट को देख के दोस्तों, क्योंकि अगर पकड़ के रखेगा तो जो पॉइंट है वो खड़ जाएगा, तो आपको आराम से निकालना है। तो ये देखिए दोस्तों ये नया आईसी है, आईसी का नंबर है TDA2030। तो आईसी को लगाने से पहले दोस्तों इसका ऊपर हीट सिंक पीस जरूर लगाए, क्योंकि हीट सिंक पीस अगर नहीं लगाओगे तो ज़्यादा दिन नहीं टिका, हीट होके खराब हो सकता है। तो इसका ऊपर जरूर हीट सिंक पीस जरूर लगाए, उसके बाद हीट सिंक के ऊपर इसको जरूर टाइट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर हीट सिंक पीस लगा रहा हूँ, क्योंकि ये और ज़्यादा दिन मतलब इसका और भी प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए आराम से जैसे निकाला था ऐसे सेम प्रोसेस से इसको जो पांच लेग है इसको पॉइंट को देख के दोस्तों लगा देना है, थोड़ा एडजस्ट करके इसको घुसा देना है। जो आपको अगर आप अगर इसमें सोल्डिंग बहुत ही डिसोल्डिंग बहुत ही अच्छा से करते हो तो इसका जो पॉइंट है वो दोस्तों आराम से इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो चलिए फिर से मैं इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। इसको आराम से जो दोस्तों आईसी का जो लेग है और पीसीबी का जो पॉइंट है उसके साथ आराम से इसको सोल्डिंग कर देना है, देख के करना है, एक दूसरे के ऊपर सोल्डिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो आराम से आपको देख के करना है, सोल्डिंग करना है, उसके बाद दोस्तों इसको क्लीन कर देना है। आप दोस्तों थिनर से भी क्लीन कर सकते हो या पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन जरूर क्लीन जरूर करना। दोस्तों आईसी का जगह मैं सोल्डिंग किया हूँ, उस पॉइंट में अच्छा से मैं इसको क्लीन कर दिया हूँ। उसके बाद चलिए मैं इसको चेक करके भी देखा देता हूँ। ये जो सॉन्ग चल रहा है दोस्तों ये कॉपीराइट सॉन्ग है, इसीलिए मैं वीडियो को म्यूट कर दिया हूँ। तो चलिए मैं दूसरा सॉन्ग लगा के देखा देता हूँ। लेफ्ट राइट दोनों साइड में मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा कि दोनों स्पीकर ही अच्छा से सुनाई दे रहा है। दोस्तों होम थिएटर का अंदर जो प्रॉब्लम था आईसी को चेंज करने से हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। जो राइट चैनल का जो स्पीकर था वो फटा हुआ या दाब जा रहा है वो साउंड क्लियर हो गया, और बेस भी क्लियर हो गया बेस आईसी चेंज करने से। तो चलिए इसको फटाफट से फिटिंग करके आपको क्लियर ही सुनाई देता हूँ। दोस्तों होम थिएटर में बेस और जो लेफ्ट चैनल का साउंड है वो पूरा क्लियर आ रहा है, तो हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल में नया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।